another one. Yo, my lovely demons, your Yugod is back with another episode of Last Moment Plus series, जिसके अंदर ओपोनेंट मेरा अच्छे तरीके से धुलाई करता है, but last moment पे, last round के अंदर मैं क्लच कर देता हूँ and जीत जाता हूँ मैच। अब शुक्र मनाओ कि ये इवेंट का गेम रिकॉर्डिंग है, नहीं तो अगर लेवल 10 का लिंग होता ना तो स्लैशिंग स्ट्राइक के बदले स्लैशिंग किक्स आता। वैसे तुम लोग अभी सोच रहे होंगे कि यूगॉट तो कभी जैक बुलवर्क यूज़ नहीं करता। देखो गाइस, मैं यूज़ करता भी नहीं क्योंकि मेरे लिए नहीं है जैक बुलवर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्फ के बाद। एंड इवेंट में तो तुम खुद का कार्ड्स भी नहीं ले सकते ना, और चॉइस में मुझे ढंग का कोई कार्ड्स नहीं मिला था, लाइक सार्ज, एम्परर, नथिंग। स्टिल फर्स्ट राउंड तो बुलवर्क के साथ ही ख़त्म कर दिया ओपोनेंट का लिंक को। अब सेकेंड राउंड में क्यों लिया ओपोनेंट ने, ये जो डैडी कूल ओपोनेंट है ना मेरा, सच बता रहा हूँ गाइस, बंदा बहुत टॉन्ट एंड इमोट करता है, बट पता नहीं इस बार क्यों नहीं किया, वैसे अच्छा ही खेल रहा था, पूरा नहीं बोलूँगा इसको। और कीवो का जो शैडो मूव का ग्लिच है ना, इसका बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे बहुत लोगों को पता ही होगा व्हाट्स द ग्लिच। स्टिल सेकेंड राउंड इसने हरा दिया मेरा जैक बुलवर्क को। थर्ड राउंड मैंने लिया था जेट, इसका कीबो ऑलमोस्ट फुल हेल्थ, थोड़ा सा कम है, डॉच करने का कंपटीशन चल रहा था, फिर से डॉच बंदे का ना, सैडली शैडो मूव यूज़ कर दिया इसने, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना जल्दी करेगा। चलो हेल्थ तो पूरा ख़त्म मेरा ऑलमोस्ट, आई एम ट्राइंग टू डॉच एज मच एज पॉसिबल, फिर भी इसका जितना हो सके मैंने डैमेज किया था। और ये जो कीप फाइटिंग वाला बंदा आता है ना, पर पता नहीं क्यों ये लोग कीप फाइटिंग बोलता है, शायद चिढ़ाने के लिए, तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि शायद मेरा जेट ख़त्म हो जाएगा, बट नो, शैडो हार्मनी ने बचा लिया हमको। हैशटैग कीबो डाउन जेट अप। पता नहीं हारने के बाद भी बंदा कीप फाइटिंग बोल रहा है, अलग ही नशे करके आता है ये सब प्लेयर। एनीवेज फोर्थ राउंड इसने लिया था आयरन ग्लैड, अफसोस मेरा जेट को ख़त्म कर दिया इसने, विच इज़ टैंक आफ्टर ऑल मैन इज आयरन ग्लैड। बंदे को इतना तक कि मैं डैमेज कर पाया जेट के साथ, क्योंकि इसके बाद मैं डॉच करने की कोशिश कर रहा था और ये जंप किक कर करके ख़त्म कर दिया मुझे। सही है ब्रो, सही है, मैं आप लोगों को कुछ देर पहले ही बोल रहा था ना कि ये बंदा टॉन्ट वगैरह बहुत ज़्यादा करता है, शुरू हो गया इसका टॉन्ट, बट एनीवेज इसको तो मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है No one says oops to you God. The tank versus tank battle is on guys. बंदे ने aggressive खेला, समझ सकते हो, पर इसको पता नहीं था कि even I can play good with my iron clad. Le suplexity and a punch in the face. इसने भी मेरा health बहुत damage किया, मैंने भी कर दिया इसका health damage. Suplexity and a punch. अब बहुत ही game changing moment हुआ, बंदे ने पूरा ख़त्म कर दिया था मेरा हेल्थ ऑलमोस्ट, बट ले भैया उफ्स बोलने का नतीजा तो तुमको भुगतना पड़ेगा। And his name is John C. डैडी कूल अब तो बन गए फूल। सेकंड मैच की तरफ चलते हैं, वियर्ड प्लस सोनिया। फर्स्ट राउंड जेड वर्सेस सार्ज, फर्स्ट रेंज वेपन से डैमेज, उसके बाद हेवी अटैक, सार्ज का कमेंडर स्पेस फ्लॉप, फिर से मेरा अटैक, बस शैडो पावर यूज़ करने ही वाला है बंदा, आई न्यू दैट, इसलिए पहले से ही डॉच कर गया। चलो फिर से रेंज अटैक, शैडो हार्मनी अनलॉक, फिर से कमेंडर स्पेस मिस, मैं डिस्टेंस बना के रख रहा था क्योंकि इसका शैडो पावर फिर से चार्ज अप होने वाला है, आई थॉट ही विल यूज़ दिस शैडो पावर दिस टाइम, बट नहीं, रैप कर लिया बंदे ने, nice. अब यूज किया बंदा, चलो खत्म हुआ इसका शैडो पावर, थोड़ा सा डिस्टेंस, मैच अच्छा ही गया, एंड सार्ज गॉट डिस्ट्रॉयड बाय माय जेट। सेकंड राउंड
मार्कस किया बंदे ने, मार्कस वर्सेस जेट एंड द फाइट बिगिंस नाउ। नाइस रोल ब्रो, पर तुम्हें पता नहीं था शायद कि शैडो हारमनी मेरा एकदम चार्ज रखता। नो ब्लॉक ब्रेकर केम बट नाइस ग्रैब ब्रो। अच्छा डॉज किया बंदे ने, मेरा हेवी अटैक फिर से मिस कर गया मैं। फाइनली हिट बैठा पाया इसके ऊपर बट उसका शैडो पावर ने मेरा हेल्थ पूरा खत्म कर दिया। वैसे तो हारमोनी स्टेट अनलॉक हो गया था मेरा बट या एक हिल भी। थर्ड राउंड मार्कस वर्सेस मेरा जैक पुलवर। पहले ही बता देता हूँ मार्कस ने मेरा जैक को धो दिया भाई, खतरनाक तरीके से धो दिया मुझे। पता है कभी कभी लगता है ना मार्कस और जैक पुलवर का स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि अगर जैक ने शॉट मिस किया तो वो हिट खा जाएगा और अगर मार्कस ने शॉट मिस किया तो वो भी हिट खा जाएगा। एकदम सही टाइम पे शैडो पावर यूज़ किया बंदे ने। ओह पर सेकेंड वाला शैडो पावर इसका मैंने डॉज कर लिया। ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स देन मेरा रेंज वेपन, फिर आया इसका रेंज वेपन। फाइनली मेरा बैक अटैक हिट कर पाया इसके ऊपर। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि मैं इसको हरा पाऊंगा पर बंदे ने लास्ट मोमेंट पर इस राउंड के अंदर बहुत अच्छा खेला, टाइमली इसका शैडो पावर यूज किया एंड आई एम डेड। ओके देन हियर कम्स माय आयरन क्लैड, मेरा आखिरी भरोसा। राउंड 4 एंड इस ये राउंड बहुत जल्दी खत्म हो गया यार, क्योंकि मार्कस का हेल्थ बहुत ही कम था। बंदा जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले आयरन क्लैड को हरा नहीं पाएगा। हैशटैग आयरन क्लैड अप मार्कस डाउन। लास्ट राउंड आयरन क्लैड वर्सेस आयरन क्लैड, टैंक वर्सेस टैंक, दोनों का फुल हेल्थ। बंदे ने पंच से स्टार्ट किया पर मेरा बैक किक लग गया, देन माई ग्रैब एंड अ पंच इन द फेस, थोड़ा पीछे जाके फिर से ग्रैब, अगेन अ पंच इन द फेस, देन कम्स माई शैडो मूव्स। आई थॉट अब ये बंदा यूज़ करेगा शैडो पावर बट नहीं, इसने ग्रैब किया सबसे पहले फिर इसने यूज़ किया शैडो पावर। दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर हेल्थ, फिर लग गया मेरा बैक पंच, देन माई शैडो पावर्स केम। पर वो होता है ना अचानक से मैच पूरा घूम जाता है, बंदे ने ऐसा ही किया। इतना हेल्थ कब कम हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और अगर ये जंप डॉज नहीं किया होता ना तब शायद इसके जगह पर मैं सोया हुआ होता। ओके सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।